ताकि तो जो भी दीन है, जो दुखी है, उसके प्रति मेरे मन में करुणा बहे, ये मेरी भावना है। इस तरह की उसमें पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि किसी भी रिलीजन के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो शायद उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस है कि बचपन में जो भी उन्होंने प्रेयर सीखी, उन प्रेयर्स में कोई ना कोई प्रेयर ऐसी होगी जिसमें यूनिवर्सल मतलब के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके विषय में बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे मेडिकल डॉक्टर्स की एक मीटिंग हो और उसमें थीम हो कि भाई अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, क्या दिक्कत है। इसी तरह से अगर आप जैसे लोग इकट्ठे हों एक जगह और कहें यूनिवर्सल ब्रदर होना चाहिए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है यूनिवर्सल ब्रदर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि वो ब्रदरहुड क्यों होगा, कैसे होगा, उस ब्रदरहुड तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। सवाल यह है कि हमारे मुख्य रिलीजन जबकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर इतना फैसल देते हैं, उसके बावजूद वो नहीं है। उसके बावजूद हमारे यहाँ काफ़ी एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना होने की जगह एक रोष है, एक किसी तरह का द्वेष है, और एक जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो हमारे जीवन में दूसरे लोगों के प्रति होता है। तो इसको हमें कैसे समाज में चेंज करना होगा, ये मुझको लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके विषय में हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे स्कूलों को, हमारे कॉलेजेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा सोचना है कि क्योंकि मैं एजुकेशन की फील्ड से आया हूँ, सब्जेक्ट मेरा पढ़ाने या पढ़ने का रहा है, तो आप जिस भी व्यक्ति के पास जाते हैं उसको अपना प्रोफेशन सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है। जैसे वो कहते हैं कि हर आदमी को अपना बेटा सबसे अच्छा लगता है, उसी तरह से हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आप अगर डॉक्टर को खड़ा करते हैं मेरी जगह, तो बोलेगा डॉक्टर से बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं। और मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि टीचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी प्रोफेशन नहीं है। इस पर सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन ये मेरा मानना है और ये मेरा मानना बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली बात है, इसको कहाँ से लाना पड़ेगा? इसको लाना पड़ेगा एजुकेशन से, इसको लाना पड़ेगा स्कूल से, इसको लाना पड़ेगा कॉलेज से। ये हम पेरेंट्स के ऊपर छोड़ नहीं सकते, ये हम समाज के ऊपर छोड़ नहीं सकते। हमारा समाज बदल रहा है, हमारी परिवार की भाषा बदल रही है, हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चलते जा रहे हैं। एक जॉइंट फैमिली में होता था कि कई आंट्स और अंकल्स होते थे, तो कोई कुछ सिखाता था, कोई कुछ सिखाता था, एक बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होता था। किसी आंट को पेंटिंग में शौक है, किसी आंट को सोशल ओरिएंटेशन ज़्यादा है, किसी अंकल का कुछ और स्किल सेट है, स्पोर्ट्स का स्किल सेट, तो बच्चा उस सबसे थोड़ा थोड़ा सीख करते हैं, एक उसका एक ऑलराउंडेड डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, उसमें वो संभव नहीं है। उसमें भी अब जब माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हों चाहे कॉलेज हों, उनकी जिम्मेदारी थी आज से 100 साल पहले, लेकिन आज उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसको हमें समझना होगा। जब हम अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे देश में जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक अंग्रेज आए तो उस समय तक हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं थी। हमारे देश की विश्व की इकोनॉमी में एक अच्छा हैसियत थी हमारी। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हम विदेशों में निर्यात करके तो काफ़ी धन कमाते थे और हमारे इतनी गरीबी नहीं थी। लेकिन 200 साल तक जो हमने एक अंग्रेजी राज्य का गुलामी सही, उसमें हमारा एक कंटिन्यूस ड्रेन हुआ रिसोर्सेज। उससे पहले हमारे यहाँ बाहर से लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया, हमें लूटा और चले गए, या लूटा और फिर नहीं मैंने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया रहा और किसी दूसरी सभ्यता दूसरे देश का एजेंट बन के कंटिन्यूसली हमको ड्रेन करता रहा। इमेजिन करिए कि मेरे घर में चोरी हो जाए और मेरे जितने कपड़े हैं, गहने हैं, पैसा है, वो लेके चला जाए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं फिर से कमाना शुरू करता हूँ, उसके बाद अपने आप को बिल्ड करना शुरू करता हूँ और वापस जहाँ पर था वहाँ पहुँच जाता हूँ। पहुँचने में 3 महीने लगेंगे कि 3 साल लगेंगे, वो एक अलग होता है, लेकिन पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे घर में ही चोर बैठा है या मेरे घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मेरी संपत्ति को कंटिन्यूसली बाहर भेज रहा है, तो कोई तरीका नहीं है मुझे उसको पनपने का। तो ये 200 साल में ये हुआ है जिसमें हमारी इकोनॉमी का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन एक और चीज़ हुई है, वो हुई है कि हमारी जो एजुकेशन है, जो एक ज़माने में तक्षशिला और नालंदा हमारे देश की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी
जहाँ पर विदेशों से लोग आते थे, जिस समय हमारे यहाँ तक्षशिला थी उस समय अमेरिका तो था ही नहीं प्रैक्टिकली सिविलाइज सोसाइटी के तरह से, और यूरोप भी हमसे बहुत पीछे था जब तक्षशिला थी हमारे यहाँ। तो जिस तरह से हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी आज से 1000 साल पहले, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। उस समय हम दुनिया में न केवल इकोनॉमी में बहुत आगे थे बट हमारी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत आगे थे। और आज हमारे यहाँ गरीबी है, आज हमारे यहाँ लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था उतनी नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, हमारे मेल न्यूट्रिशन बच्चे हैं जिनको पूरा खुराक नहीं मिलती जिससे कि वो एक हेल्दी एडल्ट बन पाए। लेकिन हमारे साथ उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी एजुकेशन भी काफ़ी बिगड़ गई है। आज हमारे जो युवा यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही परेशानी की स्थिति में पा रहे हैं। उन्हें कोई नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि नौकरियां नहीं हैं, उनको इसलिए नौकरी नहीं मिल रही कि हमने उनको नौकरी के लायक बनाया। अगर आप देश में एक अच्छे क्लर्क को ढूंढने के लिए जाएँ, एक अच्छे ड्राइवर को ढूंढने के लिए जाएँ, एक अच्छे अकाउंट्स के ऑफिसर को ढूंढने के लिए जाएँ, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर हमारे पांडे जी लखनऊ में कोशिश करें कि एक अच्छा ड्राइवर मिल जाए इनको, बहुत मुश्किल। वो आएगा उसको तो ड्राइविंग करनी आती होगी लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, वो समय पर नहीं आएगा, राइट, या उसका व्यवहार अच्छा होगा तो ड्राइविंग अच्छी नहीं आएगी, या वो दोनों अच्छे होंगे तो वो बिना बताए छुट्टी मांग। और पांडे जी को लास्ट मिनट पर ओला या उबर बुलाना पड़ेगा कि उनको स्टेशन जाना। तो अगर देश की स्थिति ये है कि एक अच्छा स्किल्ड मैन पावर हमें आसानी से नहीं मिल रहा और हमारे बहुत सारे यूथ अनएम्प्लॉयड है, तो इसमें कहीं कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि मैंने इससे पहले विश्वविद्यालय यहाँ आने से पहले IIT गांधीनगर में करीब 12 साल से ज़्यादा काम किया, और जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। मैंने स्टाफ को रिक्रूट किया, टीचर्स को रिक्रूट किया, और मैंने देखा कि अच्छे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल। मुझे अच्छे लोग क्या चाहिए, मुझे अच्छे लोग की डेफिनेशन क्या है। अगर मुझे एक अकाउंट्स के लिए क्लर्क चाहिए तो उस अकाउंट्स के क्लर्क की डेफिनेशन क्या है। 90% लोग हमारे कहेंगे कि अकाउंट्स के क्लर्क की डेफिनेशन ये है कि उसको अकाउंट्स अच्छे आए। मेरा मतभेद है, मेरा मानना है कि उसको एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, और वो अच्छा व्यक्ति अगर अकाउंट देखेगा तो आपके अकाउंट में गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति घटिया होगा और वो आपका अकाउंट देखेगा तो अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगी और आपका मतलब सब नहीं होगा। तो मेरा मानना था जब भी मैं रिक्रूट करता था स्टाफ को भी और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी और टीचिंग स्टाफ को भी, तो मेरा मानना था कि सबसे पहले मैं देखूँ कि जिस व्यक्ति को मैं रिक्रूट कर रहा हूँ उसमें मानवीय गुण क्या, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड नेगेटिव है पॉजिटिव है, एटीट्यूड कौन सॉल्व करने का है या शिकायत करने का, उसकी लाइफ स्किल्स क्या है, क्या वो अपना समय ठीक से व्यतीत कर पाता है, क्या वो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को बढ़ाएगा या उस झगड़े को कम करके आएगा। तो जब ये सब देख लिया उसके बाद वो व्यक्ति अच्छा निकला तो उसके बाद ये देखते हैं कि उसको अकाउंट्स भी आते हैं, अगर उसको अकाउंट भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते तो शायद सीख जाएगा। अगर अच्छा अच्छी वैल्यूज होंगी और अच्छा एटीट्यूड होगा और अच्छी लाइफ स्किल्स होंगी तो अकाउंट सीखना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है।